ज्यादा लंबी बात नहीं, बहुत लंबी बात। मेरा ये मैसेज सब लोगों के लिए नहीं है। ओके। मेरा ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ कुछ ताकतवर, अथॉरिटी रखने वाले, डिसीजन मेकर्स और पैसे वाले लोगों के लिए, क्योंकि मेरे जैसा कोई माड़ा बंदा हो तो उसे तो हम दो मिनट में कहते हैं, चल यार चुप कर, ये दिमाग खांड है, चुप कर यार। लेकिन जब कोई ताकत वाला, पैसे वाला, पावर वाला अपनी कहानी शुरू करता है ते बोलता जांदा है, बोलता जांदा है, बोलता जांदा है, बोलता जांदा है, बोलता जांदा है। खुदा की कसम, आप थर्मामीटर लगा के चेक कर लें, अगर आपने बात पिछले पौने घंटे से शुरू की है तो आपकी बात से लोग 5 मिनट बाद बोर होना शुरू हो गए थे। इनकी बोरियत के लिए ताली। बोलिए, कहिए, लेकिन खुदा ताला ने अगर आपको सिर्फ एक मुंह दिया है और दो कान दिए, एक और दो कितना फर्क है, पूरे एक का फर्क, तो इसका मतलब है कि कानों की ज्यादा जरूरत थी, सुनने की ज्यादा जरूरत है। जरा सुना कीजिए मेरे भाई और बहनों, मजाक रात में। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से, खुश आप दे। कम ऑन शेरा, कम ऑन माय बॉय, आए आए हुए आए जियो शेरा, मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जा। यह पाटा है ताड़ा, ताड़ा पाया ना, ताड़ा पाया। बैंक का मैनेजर जी की चेकबुक हले तक नहीं छपी। एहो जे मैनेजर को चेक लेके जाओ ना बैंक दे, ते बड़ा खुश इखलाक हुंदा है। सैनिक सारे पैसे ना कढ़ाना, थोड़ी जिने रहन देना। एहो जे मैनेजर होवे ते बड़ी मुहब्बत ना बुलाउंदा कस्टमर नू। कस्टमर अगर 1.5 लाख का चेक इकट्ठा लाया ना तो उन्हें कहते 1.5 लाख, उफ अल्लाह। आप क्यों नहीं बोल रहे कुछ? मैं तो गार्ड हाँ जी, मैं तो बाहर हूं दरवाजे। ए गार्ड हूं जो तो फंक्शन आता उदो विग ला के नचता। यह जो मैनेजर पूछन लिया होंगे कस्टमर को नहीं आया, कहते नहीं, कहते लाओ कुंडी तो डैक चलाओ। यह जो डीसेंट बंदा बैंक च बड़े ना, हर बंदा सोच रहा होंगे या पैसे जमा कराया आया है या कढ़ाण आया है, ते आके सिर्फ यही पूछता है यह वॉशरूम है। जोरदार ताली। अगर आपके बड़े उस शोबे में लेजेंड हो, यानी कि सिर्फ अच्छे ना हो, अगर तो सिर्फ अच्छे हो फिर भी आपका फलना फूलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आप सांस भी लेंगे तो देखने वाले ये कहेंगे कि यार ले तो सही रहा है लेकिन बाप जैसा सांस नहीं ले रहा। ऐसे लोगों में टैलेंट होना, फिर टैलेंट का आवाम के दिलों तक पहुंचाना किसी भी आम अदाकार से ज्यादा मुश्किल है। क्या बात। है
लाजवाल ड्रामे, लाजवाल किरदार, इस वक्त वक्त का चलते हुए वक्त का बाकायदा पाकिस्तानी हीरो है। पिछले साल एक ऐसा किरदार अदा किया कि पाकिस्तान का हर दिल, पाकिस्तान का हर रिवॉर्ड शो इस शख्स को नजरअंदाज नहीं कर सका। ये जीता पब्लिक वोटिंग में, जीता। इसका मतलब है कि जो साया इसके ऊपर था ये उससे निकला, धूप में खड़ा हुआ, खुद को जलाया और फिर कुंदन बन गया। द वन एंड ओनली शहजाद सर जी। क्या वो जैसे किसी की स्किन का कोई मसला हो जी, तो सरकार से इजाजत लेनी होती है कि हम अपने मिरर्स पे वो ब्लैक हल्का सा शेड लगा लें कि हमें धूप ना चुभे, तो इजाजत नामा चाहिए होता है, हक पर दस्तखत चाहिए होते हैं जी। आपने इतना खूबसूरत होने का हक कहाँ से लिया? शेख साहब से कॉन्टेक्ट करें। अरे बाबा क्या बात है, तशरीफ रखिए सर। सर दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपके दोस्त की तरफ, अरे वेलकम टू मजाक। जिंदगी भर फूल देते आए हैं हम। अच्छा। जिंदगी भर फूल देते आए हैं, बेशक वो माँ हो, बहन हो, बीवी हो, या को एक्टर हो, या या वो छोड़े हैं। अच्छा। लेकिन आज पहली बार फूल रिसीव किया है तो बहुत खुश हुई। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बैठिए। एक तो मैं आपके आते ही आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि दाढ़ी और लंबे बाल जी बहुत अच्छे। शहजाद भाई वेलकम टू मुज़ाकरा। थैंक यू सो मच। आपका तो बड़े ही अरसे से इंतजार था, आपका ये पहला मुज़ाकरा था जी, पहले जब से मुज़ाकरा शुरू हुआ। So finally you are here, welcome to Mazaak. Thank you. आपकी नजर एक शेयर करना चाहूंगा। Please. जी। कि मुझको सोच सोच के अक्सर हैरत होती है। मुझको सोच सोच के अक्सर हैरत होती है कि इस दुनिया में ऐसी भी कोई सूरत होती है। okay. और तुम तो मेरी हर बात से परेशान हो जाते हो। आए हुए। यार ऐसे थोड़ी ना मोहब्बत होती है। सोच कर मुझे हैरत होती है, होती है। इतनी क्लियर टिंट कैसे हुई? इतनी ओ काका वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू द पैलेट, बहुत शुक्रिया। चल भी शेर है सामने जेब होंदी। ਗਿੱਟਾ ਕਲਾ ਰਸਗੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਡੱਡੂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਈਏ, ਸੋਹਣਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਸੁਲਝਿਆ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੋਸੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਫਰੂਰੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। लाठू तो बह के सौरे चला गया। इमरान भाई इनके घर चोर आए ते उठ के उधर नाल काम ते चल गए। पंजाबी दा पंजाबी दा एक शेर जी सुनाए सुनाए सुनाए। दिल भी निरा फसादी है, दिल भी निरा फसादी है, इको मुख दा आदी है। तालियां जरा दास साहब ने।
दिल भी निरा फसादी है इको मुख दा आदि है ते मैं फाए क्यों कल्लाई मैं फाए क्यों कल्लाई कसम ते दोवां खादी है तू फाए इसलिए के तू इस काम दा आदि Shehzad looking very handsome. Thank you so much. Different hairstyle, rockstar type look. कोई new character आ रहा है क्या? ये जरा कोई एक script की demand है तो उससे. हाँ जी. Nice. Thank you. अच्छा भी आज कितना सोना dress पाया. Thank you. लगता school के function चाहिए. क्या? अच्छी लगी. आयशा अच्छी लगी. अच्छे अच्छे कपड़े दिया फायदा हूँ दाजी. 10 साल रजाई बनाई बाज सूट बना ले. किसी को तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है ना मुझे आपसे पूछने की जरूरत है कि आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा किरदार कौन सा है कौन सा ऐसा किरदार है जिसमें आपने दिल तोड़ जान तोड़ मेहनत की जिसका रब ने आपको नतीजा भी दिया आप जानते हैं कि मुझसे पूछ रहे मैं जानता हूँ पूरा पाकिस्तान जानता है हाँ जी। हम उसका साहिल, साहिल का किरदार हाँ, साहिल हमने तो मैं नहीं करूंगा उसका जिक्र पूछे क्यों क्यों वो इसलिए कि पूरा का पूरा पाकिस्तान जब उन्हें पता चला कि शहजाद शेख आ रहे हैं ड्रामा खत्म हो गया अवार्ड मिल गए दिल को सुकून मिल गया मजाकरात पे आके सामने वाले कैमरे में खड़े होकर अगर उस किरदार के कुछ डायलॉग्स नहीं दोहराएंगे तो बात नहीं तो नहीं होगा नहीं शो नहीं होगा शो आगे नहीं बढ़ सकता सर वो आपका सामने कैमरा खड़े होकर सर प्लीज मैं आपसे पहले खड़ा हो जाता हूँ अच्छा उस किरदार तो अभी काफी टाइम हो गया तो डायलॉग्स मुझे याद कुछ नहीं आ रहे अम्मी वाह वाह आपसे माफी मांगना चाहता हूं मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बुरा किया और उसकी सजा भी मिल रही है मुझे लेकिन लेकिन प्लीज एक बार मुझसे मिलने जरूर आना जेल में मुझसे मिलने जरूर आना अम्मी टाइम आ जाएगा यही रहेगा क्योंकि दुनिया भी उस पर चल रहा है आपका फेवरेट शो मजाक आप देख रहे हैं मजाक रात विद इमरान अशरफ एंड क्रू वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक मुझे जहां तक लगता है आपका पहला सिक्सर जो शायद आपको लगता है कि इस साल लगा था मुझे ऐसा लगता है छोटी सी जिंदगी इकरा अजीज ये वो वक्त था जिस वक्त में आपके ऊपर सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रेशर था बिल्कुल आपको खुद को मनवाना था जब छोटी सी जिंदगी आया तो एक खुशी साथ आई उस खुशी से पहले जब शहजाद शेख साहब बिस्तर पे सोने के लिए जाते थे तो क्या सोचते थे और उस ड्रामे के बाद सोच में क्या बदलाव आया सोसाइटी का प्रेशर मेरे ख्याल से बहुत बाद में आया मेरे ऊपर मेरा अपना ही प्रेशर आए वाह वाह बाबा और एक एक्टर के लिए होता है ना एक रिवाइवल होता है क्योंकि छोटी सी जिंदगी से पहले मैंने कोई एक साल तक काम नहीं किया या यूं कह लें कि मुझे एक साल तक काम नहीं मिला हालांकि आपका उससे पहले ड्रीमर्स एक सुपर हिट प्रोजेक्ट तो सर सुपर हिट प्रोजेक्ट सुपर हिट प्रोजेक्ट ड्रीमर्स और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी गुजरे लेकिन एक रियलाइजेशन होती है और एक एक्टर के लिए रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है कम से कम साल में एक दफा आए अच्छा फर्क क्या है चलिए अपना ही प्रेशर कर लें शहजाद शेख वर्सेस शहजाद शेख छोटी सी जिंदगी आ गया क्या फर्क आया सोच में उसके फर्क किया है कि ये स्क्रिप्ट पुराना शहजाद शेख तो कभी करता ही नहीं कि एक लड़के का नाम क्या है उर्वा अच्छा पुराना शहजाद शेख कौन था पुराना शहजाद शेख था अच्छा भाई
स्क्रिप्ट सुनाए अच्छा? कहते हैं हाँ जी स्क्रिप्ट ये है कि लड़के का नाम है ओरवा ओ भाई ये आप साइड पे करो हाँ छोड़ देता लेकिन अपने आप के अंदर जो एक ईगो होता है ना उसको आप मार देना है कि यार आप अदाकारी करने जा रहे हो आप शहजाद शेख को पोर्ट्रे करने नहीं जा रहे आए हुए उर्वा पोर्ट्रे करने जा रहे हो और फिर बस वो दिलों जान से किया और लोगों ने मोहब्बत दी। अच्छा सोसाइटी का प्रेशर भी हो गया आपका अपना प्रेशर भी हो गया फैमिली में आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? मेरी बहन मोमल मोमल कि मेकअप कौन सा यूज किया हुआ है तुमने और उस वाले सीन में तुम्हारे बाल क्यों नहीं बने हुए थे और ये किस तरह और वो किस तरह फलाना है और ढिमकाना है लेकिन फिर जब लोग तारीफ करते हैं और वो सुनती है कहती अच्छा ये बताओ तुम कितने पैसे लेते मैं कहता हूँ तुमने क्या मेरा टैक्स रिटर्न फाइल करने से पूछ लिया मैं कितने पैसे लेता हूँ कहती नहीं मुझे पता होना चाहिए ना मेरा भाई क्या ले रहा है शहजाद भाई सुनने में ये आया है कि सही आया है बिल्कुल सही अगर सुनने तक आ गया है तो वो सही ठीक है वो ठीक है सुन तो लेके क्या सुनने में आया कि लोग आप पर बहुत जल्दी दिल हार जाते हैं मैंने जवाब क्या दिया था आपको सुनने से पहले क्या सही सुना है सही सुना अच्छा मुतासरी में शहजाद बहुत से लोग हैं हो सकता है शायद उनको लगता हो किनको लगता है मेरी बीवी भी देख रही है मेरी सास भी देख रही आप कुछ नहीं कर रहे आप इसमें कुछ नहीं कर रहे आप ये जो स्क्रिप्ट अभी लिखा जा रहा है उसमें आप एक चॉकलेटी हीरो हैं ठीक है जो कि बहुत लॉयल है ठीक है हम जानते हैं इस बात को और हमारी भाभी बिल्कुल जितना हमारा उनके साथ ताल्लुक और दोस्ती है बैजन आपके साथ लड़ाई हो जाएगी ये तो हो गया घर जाने का इंतजाम तो हमने आपका कर दिया साइड में ये तो हमने साइड पे लगा दिया अब हीरो चॉकलेटी हीरो प्यारा लड़का गहरी आंखों वाला जब उसे मुतासरीन देखते हैं तो बच्चा ये कह रहा है बच्चे का सवाल है बच्चा है स्टूडेंट है पढ़ता है अभी फर्स्ट ईयर में वो ये पूछ रहा है कि मुतासरीन काफी सारे हैं वो पूछ रहा है कि आपसे लोगों को बहुत जल्द मोहब्बत हो जाती है सवाल ये है सवाल ये नहीं है कि आप मोहब्बत के बदले मोहब्बत देते हैं ये बिल्कुल क्योंकि मैं मोहब्बत बांटने वाला हूं आए बेशक वो मेरा कैमरामैन हो मेरा डायरेक्टर हो मेरी को एक्टर हो मेरी मेकअप आर्टिस्ट हो मेरा ड्राइवर हो मैं जानना चाहता हूं उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है उनसे बात करना चाहता हूं हम चलिए इसको और आसान कर देते हैं बात आप सुनना क्या चाह रहे हो मैं कुछ नहीं सुनना चाह रहा मैं ये बताना चाह रहा हूं मैं इतना आसान कर दिया कि आप हां कर देंगे क्या मैं कह रहा हूं मैं तो सुनने से पहले आ कर चुका हूं कर चुके हैं हां मैं क्यों जोर लगा रहा ये तो एक्टर आबू हैं पहले तो मोहब्बत छापे चला के भेज दें लोग कहते सन शेख साहब ताजी को ताजी मोहब्बत है कोई ताजी मोहब्बत डेढ़ किलो दे दो अगर है शेख वे दिन चढ़े दिन चढ़े अच्छे नहीं अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम सर सर पूरे घराने का फैन पहले इधर आइए ना मैं आपसे भी थोड़ी मोहब्बत बांटूं इधर आइए ओके ए तुसी उन्हें पेल तोड़िया नहीं दसदा कसम नहीं दसदा नहीं दसदा वाजबुल छत्रोल है वो बंदा ये जो सामने खड़ा है वाजबुल छत्रोल है वो बंदा जो आपसे कहे एक जरूरी बात बताऊं और बाद में कहे चलो छोड़ो यार रहने और काबिले कदर चीजों में वक्त सरफहरिस्त है लेकिन मैं ये कहता हूं कि वक्त की नहीं लम्हों की भी कदर करें और अगर गौर करें तो हम लम्हों में जी रहे हैं कोई खुशी का लम्हा तो कोई गम का लम्हा एक छोटा सा शेर लिखा है हर लम्हा हालात बदलते देखे हैं हर लम्हा हालात बदलते देखे हैं हर लम्हा हालात बदलते देखे हैं हमने चढ़ते सूरज ढलते देखे हैं इंसानों को पत्थर बनते देखा है पत्थर भी एक रोज पिघलते देखे हैं क्या बात लम्हों के इंतजार में सदियों की बेखुदी वाइद Thank you.
डांसर सर माशाल्लाह सारे ही फनकार सुपरस्टार पूरी फैमिली सुपरस्टार देख के ही लगता है कि सुपरस्टार क्या बात और अकरम साहब को देख के ही बंदा इनसे यही पूछता है यार आपके अब्बू की जमानत हो गई है अगो अकरम भाई मजबूर होके कहंदा उन्हां दी जमानत ते नहीं हुई मेरी टेंड करती सर एक एक और बड़ा ये पर्सनल सा क्वेश्चन है सर जी अमेरिका से ग्रीन कार्ड मिला जी वो आपने उनको वापस कर दिया ये मुझे वजह नहीं पता चली सर बस मैंने मैंने चाहा कि अपने लोग में आके काम किया जाए और यहाँ से सीखा जाए काम जहाँ पे अपनी जमीन है अपने लोग हैं अपने प्यार ये वतन से मोहब्बत सही है माशाल्लाह सारे एक्टर सारे सुपरस्टार पापा के सामने भी डायलॉग बोलते हैं सर नहीं वो मेरे साथ डायलॉग बोलते हैं मैं सुनता हूँ अच्छा शेख साहब लगते तो नहीं है गुस्से वाले हैं बिल्कुल नहीं कभी आपको डांटा है एक दफा चमाट पड़ा है बस थप्पड़ उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा ये काम इस तरह नहीं करना काम क्या था वो छोड़ दो बताए ना बताए 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 बस उनकी गाड़ी लेके मैं कहीं चला गया था बगैर बताए और उसके अंदर किसको बिठाया कौन था अंदर अंदर कोई नहीं था दोस्त वगैरह थे लेकिन नहीं दोस्तों का तो पता वगैरह कौन थे फिर आपने कहा था थप्पड़ से डरने लगता मोहब्बत से डर नहीं नहीं चुपके से मेरे खा लिया मैंने कहा आइंदा वगैरह के लिए अब्बा की गाड़ी यूज नहीं करनी यानी कि मसला वगैरह ही था वगैरह ही था देव साहब ने ये कहा होगा तो मेरी गाड़ी लेके अगर इसमें मेरा वगैरह निकल आता तो ये मुझे लग रहा है बड़ा डर डर के बोला गया क्या बात सर माशाल्लाह सर सर सारे सुपरस्टार सारे तेरे सारे बीमार एदा प्यो तो सुबह ड्रिप ना पाकर खानियां खा रहा हूं अच्छा बाग का तो नीचे का रस फस भी जाता उन्हें भूख मारता है फिर हनी साहब ने भी माशाल्लाह आमिर खान सब तरह वजन वधा के फिल्म करन लगे हाँ जी फिल्म भी कैंसिल हो गई वजन भी नहीं घट होया बाबा साहब के पैर च किल लगा वो क्यों ते पंचर वाले को चले गए अकरम साहब महल्ले च एक बंदे ने लड़न दे कहंदा यार कोई एस्प्रे समझ के सिगरट बजा गया फैसल बस च सफर कर रहे थे बस नहर च डिग पई सारे हर बंदा अपने आप नूं बचा रहा है एक कनेक्टर नूं बचा रहा है मैं कहा की करन डिग गया भाई ने बकाया लैणा इहदे मूंह ते केला निकलिया दवाई नहीं लई 30 रुपए की थोड़ी लाया आया ਖਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਧ ਸਲਾਬੀ ਸੀਗੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਆ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਚਾਹਾਂ ਬਣਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਖਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਪੱਤੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਸ਼ੌਂ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੇ ਚਾਹ ਨਾ ਬੰਦ ਖਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਚਾਹ ਬੰਦ ਪੀ ਗਏ ਪਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਐਕਟਰ ਪਾਪਾ ਵੀ ਐਕਟਰ ਫੁੱਫਾ ਵੀ ਐਕਟਰ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਆਪ ਐਕਟਰ ਅੱਬੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰੰਦਾ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੇ ਉਦਾਸ ਤੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਜੈਲ ਲਾਣ ਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲ ਦੀ ਬੇਗਮ ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਲ ਉਸ ਕੰਧ ਦਾ ਹੀ ਕਈ ਮਰ ਜਾਈਏਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
नहीं तो फिर ना कहना बूटा गाला करता है। वेलकम बैक टू मजाकराज। सर वाला साहब के नक्शे कदम पे चलते आप एक्टर बने, आपके लिए कुछ लिखा है सर। जी। नक्श तेरा बना रहा मुझ में। नक्श तेरा बना रहा मुझ में। ओ बच्चे यहाँ लिखो बना हो तो नक्श बनाई जाना। सखाव साहब ने अपने बड़े मुंडे की टेंड करती कहते कटप्पा का फैन। नक्श तेरा बना रहा मुझ में, कुछ ना अपना बचा रहा मुझ में। मुद्दतों यूं खुली रही आंखें, एक मंजर सजा रहा मुझ में। हर आंगन में नहीं खिलते ऐसे फूल। डैडी कूल 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 मेरा बेटा कूल कूल डैडी कूल 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 डैडी कूल 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 डैडी कूल पास जी। बिल्कुल उस किरदार में अदाकारी का बहुत ज़्यादा मार्जिन था जिसका आपने पूरा पूरा फ़ायदा उठाया, परफॉर्म किया। लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर आप पुराने वाले शहजाद शेख होते तो आप उर्वा नामी किरदार कभी नहीं करते, लेकिन आप नए वाले शहजाद शेख थे फिर भी आपने एक ऐसे किरदार के लिए हाँ की जो दरअसल एक नेगेटिव विलन कैरेक्टर था उस कहानी का। एक हीरो के लिए एक विलन के कैरेक्टर को चूज करना, विलन भी ऐसा जो जिसने ऐसा गुनाह किया है जिसकी कोई माफी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? क्योंकि ये चैलेंज था मेरे लिए, खुद के लिए एक चैलेंज था, और कैरेक्टर भी एक अचानक से एक ऐसी चीज मिल गई कि एक मासूम सा कैरेक्टर है जो ऑडियंस ने पसंद करना है, उसे प्यार करना है कि यार ये कितना भोला कितना मासूम लड़का है यार। और फिर वो जो उसका चेंज ओवर आता है कि यार ये इसने किया है, वहीं तो जीते आप, वहीं तो जीते आप। क्या बात, मेरा फिर उसी हिसाब का एक सवाल होगा आपसे। जी ये इस तरह भी कर करिए करिए। मेरे सवाल होते मोहब्बत के हैं, यक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? यक तरफा मोहब्बत बहुत खूबसूरत मोहब्बत है। अच्छा, उससे कोई बड़ी चीज ही नहीं आई गेस कि आपका जिससे दिल चाहता है आप उसे प्यार कर सकते हैं। अच्छा, आपका जिससे दिल चाहता है आप जिससे दिल चाहता है शादी से पहले प्यार करते रहे? हाँ बहुत। और बताएं इस बारे में कुछ। क्या बताएं, आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आपको कोई पसंद आता है तो आप उससे मोहब्बत कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप उसे ना भी बताएं, यानी कि आप ये आप उसको ना भी बताएं और वो आपको इन रिटर्न ना आपसे प्यार करे ना आपको चाहे, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं। तो शहजाद अभी तक ये इमेजिनरी मोहब्बत आप कितनी दफा कर चुके हैं? मैं ये इमेजिनरी मोहब्बत रोज बार बार करता हूँ। ओके। और ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि इसमें कोई लड़की शामिल हो, कोई खातून शामिल हो, क्योंकि स्पेशली अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए, अपने वालदेन से मोहब्बत करनी चाहिए, अपने खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए। वो किस लिए? क्योंकि आप रोज ऐसे कोई ना कोई काम करते हैं जिससे वो नाराज हो सकता है। अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात। मुश्किलात सब अदाकार देखते हैं, कोई भी ऐसा अदाकार नहीं है जिसने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल ना देखी। आपने भी देखी है, आपकी स्ट्रगल का तरीका कार अलग था, आपको जिंदगी ने किसी और तरह पकड़ा। करियर में कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसी जगह कि शहजाद शेख भी रो पड़ा हो गया यार ये क्या हुआ है? कभी बहुत ज्यादा दिल टूटा हो किसी वाकये से, जो हो तो दुनिया के लिए वाकया लेकिन शहजाद शेख के लिए हादसा हो? बिल्कुल, ऐसी बहुत दफा हुआ है। स्पेशली एक बार जब मुझे काम मिलना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया था। क्यों? शायद मेरी अपनी एटीट्यूड की वजह से, शायद मेरा इंटरेस्ट लेवल उतना डीप नहीं था उस वक्त। तो आपको काम मिलना बंद हो गया? हाँ। तो फिर काम को वापस कैसे बुलाया? फिर काम की तरफ बढ़ा, उनसे जाके बोला कि यार मुझे काम दो। ये कहना पड़ा आपको भी? कहना पड़ा, कहना पड़ा शहजाद शेख, जावेद शेख साहब के बेटे को कहना पड़ा ये। उसके बाद कौन सा काम मिला मुझे? उसके बाद छोटी सी जिंदगी। अच्छा, फिर तो एक एक्टर को मेरे ख्याल से बहुत
अपने आप को तोड़ना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, फिर तोड़ना पड़ता है, फिर सीखना पड़ता है। बस एक छोटी सी बात कहूँगा, ये बड़ी अच्छी बात की आपने, एक एक्टर को खुद को तोड़ना पड़ता है जी। लेकिन खुदा का वास्ता है, ये काम एक्टर के हाथ में रहने दें, आप मत तोड़ें प्लीज, वो तोड़ लेगा। क्या बात। शहजाद की सबसे क्रेजी फैन कैसी थी? एक्चुअली मेरी कोई 4-5 फैंस हैं, बहुत थरली मेरे पीछे लगी हुई पिछले 10 साल से, और मेरी इंस्टाग्राम पे वो फॉलोअर्स हैं और उन्होंने पेजेस बनाए हुए हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, कनाडा से हैं, और वो 10 साल से मेरी जर्नी में मेरे साथ हैं, रोज कोई ना कोई पोस्ट वो मेरे, कुछ कहें उनको कहें, रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ वो लोग पोस्ट करते हैं, चाहे मेरी बर्थडे हो, मेरे बेटे की बर्थडे हो, मेरी एनिवर्सरी हो, मैं कोई नया प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मेरे क्लिप्स लगाना, सब कुछ मुझे इतना प्यार देना, थैंक यू सो मच, मैं आपके प्यार की डेप्थ में हूँ, और मैं आपके प्यार की डेप्थ में हूँ। वाह क्या बात है, आओ सारे। और फैंस तो खैर प्यार देते ही हैं, लेकिन लोगों का जो प्यार मिलता है, जो लड़कियां मिलती हैं, जो आंटीज मिलती हैं, जो आपको प्यार देती हैं, तुमने वो अच्छी तरह से तो उसके साथ रवैया नहीं रखा, आइंदा इस तरह नहीं करना, तुम पे वो सूट नहीं करता, तो वो जो है ना उनका डांटना वो भी एक मोहब्बत है, वो भी एक प्यार है। तो अरे एक आपकी और बहुत बड़ी फैन यहां मौजूद। जी कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे 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 बुलाएं प्लीज, आए लाइन लाइन बुलाइए, आइए बुलाएं बुलाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी हैंडसम, वेरी वेरी डीप आईज, शहजाद शेख साहब इज हियर सर, द माइक स्पॉट एंड स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज कम। क्या जो आपका दिल करे, आपका शो है, आपका अपना शो है, जो आप बात आंखों से कहते रहे, अल्फाज में किसी को दूब दू नहीं कह सके, आज कह दीजिए, चाहे वो एक इंसान है या पूरा माशरा है या कोई इमोशन है, जिसे भी कुछ कहना चाहते हैं कह दे सर। हम यूसुफ जहां थे अभी कल की बात, आए हाय हाय हाय, हम यूसुफ जहां थे अभी कल की बात है, तुम हम पे मेहरबान थे अभी कल की बात, कल की बात, हाय अभी कल की बात है, बहुत बहुत। कुछ दिन ऐसे भी थे कि हम ही तुम्हारी ज़बान पे थे, अभी कल की बात, आए कुछ दोस्त जो बिछड़ गए हयात में, वो भी अपने थे अभी कल की बात है। I'm sorry, मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ क्योंकि मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त। आप आगे पढ़ना चाहते हैं? कुछ हादसों से गिर गए मोहसिन जमीन पर, कुछ हादसों से गिर गए मोहसिन जमीन पर, हम रश के आसमान थे अभी कल की बात, हाय 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 कल की बात, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, और अपने अपने प्यारों से बहुत प्यार करें, जो भी आपके आसपास आपके दोस्त यार, आपके माँ बहन, आपके भाई, आपकी बहनें, आपकी बीवी, आपके बच्चे, सबसे बहुत प्यार करें, देखते रहिए मजाक, थैंक यू, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शहजाद भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। मैं सबसे पहले आपके लिए मतलब कुछ कहना चाहती हूँ जी, प्लीज।
मैं पाकिस्तानी ड्रामास मतलब बहुत कम देखती हूँ, कह रहे नहीं देखने के बराबर होते हैं, लेकिन आपके ड्रामास बहुत शौक से मैंने देखे हैं। क्या बात, क्या बात। और क्या मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तालियां भाई सुजात साहब के लिए, क्या बात। मुझे लगता है कोई शेर वेर लाई हैं आप। जी बिल्कुल, आपके लिए और शहजाद भाई दोनों के लिए। प्लीज 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 सुनाइए। ये मंजिलें ये रास्ते, मेरी हर दुआ तेरे वास्ते, ये सुकून और ये करार भी, मेरा अमान तेरे वास्ते। कभी गम न तेरे करीब हो, तुझे हर खुशी नसीब हो, मेरी इल्तिजा तेरे वास्ते, मेरी हर दुआ तेरे वास्ते। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाएं सर। नाम क्या है? असद बिलाल। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक। सर आप दोनों के नाम एक शेर है। पहले मुझे ये बताएं, छोड़ें शेर तो हम आपका सुन ही लेंगे। जी सर। क्या बात है, जब भी इस शो में कोई गहरी बात हुई तो सबसे पहले ताली आपने बजाई। आई एम ए टीचर। ओ माशाल्लाह सर, वेलकम, गुड, थैंक यू सो मच। क्या पढ़ाते हैं? सर स्विक्स और मुताला पाकिस्तान। अरे वेरी नाइस, ओके। और राइटर भी हूँ और शायरी भी थोड़ी बहुत करता हूँ। और एक शेर आप दोनों के नाम, उनके होंठों पे जो मेरा नाम कहीं आ गया, मुझको भी मौजज़ों पे यकीन आ गया। और सर मुज़ाकरात की इस अजीम तकून के नाम भी एक शेर है, बहुत आला, जरूर जरूर। के ओ कहंदा ए हिंज ना डिगे, ओ कहंदा ए हिंज ना डिगे। हिंज का मतलब समझा दें सबको। आंसू, आंसू, हंजू। ओ कहंदा ए हिंज ना डिगे, बई दिल टूटे ते किंज ना डिगे। ओ कहंदा ए हिंज ना डिगे, बई दिल टूटे ते किंज ना डिगे। और जीवें मैं नजरां चो डिगया, शाला कोई इंज ना डिगे। जीवें नजरां चो मैं डिगा, शाला कोई इंज ना डिगे। बंदा भावे सारा डिग जाए पर उदी टिंड ना डिगे। बहुत अच्छे टीचर साहब। टीचर साहब जी सर, ये जो हमने एक बात सुन रखी है, आपने भी भजन सुना, ये क्यों इल्जाम लगाए हैं इन लोगों ने शायरों पे कि शायर को पहले इश्क होता है फिर वो शायरी करना शुरू करता है, ये सच है? वो सर उन लोगों की नालायकी थी जो ये कहते थे। अच्छा, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है? कोई ताल्लुक। आपके हिसाब से क्या हकीकत है? आपको कभी इश्क मोहब्बत नहीं हुई? सर आई एम स्टिल इन लव। सर मोहब्बत के बगैर जिंदगी भी कोई जिंदगी है। आए आए, वेरी नाइस। धोखा खाया कभी? अल्लाह का शुक्र है काफी दफा खाया। वाह वाह वाह। किस किस उम्र में खाया आपने धोखा? सर एक्चुअली धोखे का जब पता चलता है ना, तब तक बंदा मैच्योर हो चुका होता है। और जैसे अनवर मसूद साहब कहते हैं ना कि धोखा और खोता खाने के बाद ही पता चलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। आपका बहुत शुक्रिया, आपको दोनों हाथों से सलूट सर। बहुत शुक्रिया, जो काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, आई होप कि आपको मजा आया मजाक जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एंजॉयड अ लॉट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद भाई आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। मैंने आपके ड्रामास बहुत शौक से देखे और आपके भी। क्या बात है, तालियां। फेवरेट जो मेरा ड्रामा है ना वो कहीं दीप जले है। अच्छा। और आपका राज़े उल्फत है। ओए ओए, क्या बात है। मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगी। जी 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 जी। कोई ना मिले तो किस्मत से गिला नहीं करते, कुछ लोग मिलकर भी मिला नहीं करते। अरे। कोई ना मिले तो किस्मत से गिला नहीं करते, कुछ लोग मिलकर भी मिला नहीं करते। हर शाख पर बहार आती है जरूर, पर हर शाख पर फूल खिला नहीं करते। अरे वाह,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सर आपके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका ये बताएं? सर मेरा नाम गुलाम मुस्तफा है। अच्छा, वेरी नाइस। और मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ सर। कहिए। कुछ शेर। खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। जरा सी लग्जश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले। जरा सी लग्जश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले। सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा कि वो गम बिछड़ने का भूल जाए। किसी को देना ये मशवरा कि वो गम बिछड़ने का भूल जाए। सो ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। क्या बात है, जीत रहे सर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुजाहिद। क्या करते हो? मैं ऑटो रिक्शा कंपनी में हूँ। ऑटो रिक्शा कंपनी में हूँ। क्या करते हो वहाँ? फिटर हूँ। फिटर? आए होए, जो तंग करे उसे फिट कर देते। साथ कौन बैठा है? बीवी है मेरी। क्या कपल है यार। ओए 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 वाह। लव मैरिज है या अरेंज? लव मैरिज है। वाह जी वाह। कहाँ मिले थे? कजन है मेरी। तो बचपन से पसंद करते थे? इसका बचपन ही है। भाभी जी कहिए। कैसी गुजर रही है जिंदगी? माशाल्लाह बहुत अच्छी। अरे ये कोई एक बात जो आपने आज तक इनसे ना कही हो और आप कहना चाहती हैं? आप समझे आप अपने भाई के शो में आई हैं आज, तिप्पा जन तो अनुकुश को कहने के देसी वेख ला। आप कोई एक बात, कोई एक लफ्ज जो आप मुजाहिद साहब के लिए कहना चाहती हैं? आई लव यू मुजाहिद साहब। अरे वाह वाह वाह। तो भाईजान भाभी को आप कुछ नहीं कहेंगे बदले में? आई लव यू टू। अकरम साहब आई लव यू टू। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाईजान। आपकी आमद का बहुत 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 शुक्रिया। आप आए, बहार आई और मुझे मुझे ऐसा लगा कि आप खुश हुए यहाँ। बहुत खुश। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप सबने बहुत प्यार दिया, आप सब इतना प्यार देते हैं, इसी तरह हमारे काम को हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, इसी तरह अपना प्यार बांटते रहें, हमें प्यार देते रहें और हम अच्छे से अच्छा काम। बिल्कुल।